हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और आजकल आप इस टाइम पे क्या क्या कर रहे हो जरूर बताना। कहीं पे तो खेती की जैसे कि निंदाई चल रही है बाजरे वगैरह की, और सिटी में पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। जैसे कि मैं कर रही हूँ, मैं सिटी में रहती हूँ तो उसके हिसाब से, तो आप लोग बताना कि आप लोग अभी क्या कर रहे हो। तो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है तो प्लीज़ वॉच कीजिएगा। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, अभी हम लोग बाहर खड़े हैं तो रेनबो दिखाती हूँ मैं आपको। पता नहीं, इसमें तो दिख ही नहीं रहा दीदी कहीं, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट रेनबो निकला हुआ है और धूप निकली हुई है साथ के साथ, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर और धूप निकल रही है। तो किस साइड में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए धूप निकली हुई है, पर है ना इतना ठंडा सा मौसम हो गया। मैं दूध लेने गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी भयंकर वाली, और अदिति और नन्नू खेल रही है इधर। ओके, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको पहले के बजाय, आप ज़्यादा क्लियर दिख रहा है जो रेनबो है वो, तो दिखाती हूँ आपको मैं। और यहाँ पे हो रही है बरसात और अभी हो रहा है शाम का 6, तो आप लोगों को दिखाते हैं हम रेनबो। रेनबो बहुत ही प्यारा सा निकला हुआ है यार। गाइस देखिए, इतना हल्का दिख रहा है पर बहुत प्यारा लग रहा है। इसका जो कलर है यहाँ से जा रहा है बिल्कुल यहाँ से और पूरा इधर तक जा रहा है, देखो तो दिख रहा है ना कितना प्यारा सा। और बरसात हो रही है, हम लेके आए अभी अभी दूध, तो मैं रसोई में कुछ काम कर रही थी तो बाहर कपड़े सूखे हुए थे तो बहुत जोर से आवाज़ आ रही थी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा और कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है। हवा चल रही है हल्की हल्की सी और बरसात हो रही है और धूप भी निकल रही है साथ की साथ। इधर के साइड का यही होता है, धूप भी निकली होती है, मौसम का पता ही नहीं होता कब बरसात निकल जाती है। गाइस आपको एक चीज़, एक सेकंड, और यहाँ पे देखो आप फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं बरसात में, ये देखिए। ये देखिए रेनबो का कलर, पर कम दिख रहा है बेबी। तो यहाँ पे बरसात में फुल एंजॉय कर रहे हैं पौधे भी, ये सबसे अच्छी बात है, इतने प्यारे लग रहे हैं देखिए आप। हाँ, और बरसात भी निकल रही है साथ के साथ, धूप भी निकल रही है देखिए। इधर दिखाती हूँ आप लोगों को, बरसात धूप और रेनबो, ये देखिए बरसात की वजह से क्लियरिटी, बरसात की वजह से कितना प्यारा लग रहा है इधर। और ये रहे कोकोनट, और यहाँ पे अदिति और नन्नू खेल रही है दोनों अंदर। मैं बर्तन साफ करने जा रही थी, जैसे ही मुझे बरसात की आवाज़ आई तो आज हमने बेडशीट वगैरह सुबह मॉर्निंग में, जैसे कि आपको बताया था कि बेडशीट वगैरह चेंज की थी, बेडशीट सूख रही थी बाहर तो पूरी गीली हो गई बरसात की वजह से, इसको मैं यहीं डाल दूंगी अंदर ही अभी कुछ चेयर पर। और यहाँ पे अदिति और नन्नू अपने किचन सेट से खेल रही है, यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं। और जब तक मैं कर लूंगी अपना बाकी का काम, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं वो करने हैं मुझे क्लीन खाने वाले, तो इनको कर लेती हूँ और मिलती हूँ उसके बाद में आप लोगों से। और यहाँ पे जो है मेरा चूल्हा जो था वो भीग चुका है, बरसात फिर से तेज आने लग गई हल्की हल्की सी, और जो कौवे है वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के मैंगोस। देखो कितना, आज सुबह ही छत धोई थी हमने पूरी, क्योंकि कल शाम को जब खाना बनाया था तो पूरी छत गंदी हो गई थी और अब फिर से गंदी हो गई। हैंड बता रहे हो, चलो नो जी बताओ नो जी। तो आज मैं अदिति और नन्नू की लगाने वाली हूँ क्लास, क्योंकि इन्होंने कल लिया, कल और परसों बिल। हेलो जी, अभी हो चुका है शाम का टाइम और थोड़ी देर मैं सोच रही हूँ खाना बनाने से पहले आधे नहीं, और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर अदिति और नन्नू को मैं क्लास लाऊं इनकी, क्योंकि क्लास इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ना ये बिना बोले जब तक, गंदी बात, जब तक इनको कुछ नहीं बोलोगे ना पढ़ने के लिए तब तक ये दोनों बैठती नहीं, इतनी बदमाश हो गई है आजकल। और ये ना ये बटौची, ये इसके बहुत भाव पड़ रहे हैं आजकल बहुत।
तो मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों की थोड़ी देर कम से कम आधे एक घंटे में क्लास लगाऊंगी। तो यहाँ पे अदिति को मैंने कुछ लिखने के लिए दिया है, वो लिख रही है। तब तक मैं नन्नू को नन्नू की क्लास लगा दूंगी। तो नन्नू चलो, तो चलो नन्नू अपनी क्लास बुक लेके आओ चलो। तो अभी मुझे पढ़ाना है थोड़ी देर के लिए नन्नू के लिए, फिर जाना है मुझे डिनर बनाने के लिए। तो इस तरीके की बुक लाई हुई है नन्नू के लिए जो कि काफी अच्छी है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, ऑल इन वन बुक है ये। हाँ नन्नू चलो मुझे बताओ, एलिफेंट खाएं एलिफेंट? हाँ अच्छे से बताओ, चलो बताओ। ओके और बताओ, इसको इधर से छोड़ दो, इधर से छोड़ दो, मम्मा पकड़ी। अब बताओ कैट खाएं, कैट बताओ, यही मम्मी ने पकड़ रखी है, खाएं ये कैट, वेरी गुड। अब लॉयन बताओ, लॉयन खाएं लॉयन। ओके हॉर्स खाएं, हॉर्स जल्दी बताओ, हॉर्स हॉर्स बताओ जल्दी से, हॉर्स, वेरी गुड। डंकी बताओ, डॉगी बताओ, डॉगी डॉगी जल्दी बताओ, डॉगी खाएं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इसको छोड़ो इधर से, अब ढूंढो खाएं, डॉगी खाएं ढूंढो, हाँ डॉगी ढूंढो खाएं, ढूंढो आप, हाँ अब डॉगी ढूंढो खाएं, इसमें है खाएं। ओके अब बताओ इसमें कैमल खाएं, कैमल हाँ कैमल बताओ, वेरी गुड। काऊ खाएं, काऊ ओके, और इसमें वो खाएं कौवा, कौवा क्रो क्रो, नहीं ये तो कॉक है, कॉक क्रो पूछ रही हूँ, क्रो जिसको आप टोटी डाल के आते हो, बताओ खाएं, ढूंढो येरा मेंटल, हाँ ओटी डालते हो ना आप इसको। ओके अब इधर बताओ, तो बताओ ये सेम है, हाँ क्योंकि ये और ये छोटा है और ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, हाँ तो सारे के सारे सारे सेम नहीं है, तो ये छोटा है, हाँ ये वाला छोटा है, हम्म, ये वाला छोटा है, हाँ और ये वाला छोटा है, और अगर इनमें से ये उंगलियां चली गई, उसने ये नहीं पूछा है ना, तो इसमें और खाने के लिए आप बताओ, और स्मॉल है नहीं दोनों, स्मॉल से मतलब नहीं होता, हाथ की फिंगर तो स्मॉल ही होती है बेबी। उसने ये पूछा है आपसे कि पहले तो ये बताओ कि कितना है, टू टू है, तो टू में ये बताओ, हाथ की तो सारी फिंगर्स बराबर होती है, दोनों हाथ की बराबर ही होती है ना, तो इसकी भी ये वाली बराबर है, ये वाली बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, कितने हाथ है, पहले तो ये देखो कितने हैंड्स है, यहाँ पे टू है, हाँ तो यहाँ पे अब इसने पूछा है कि कितना, तो ऑर्डर कितना इवन है, तो इवन कितना है और कितना है, और तो उसमें है ही नहीं है, इवन है तो इवन कितने, टू टू लिखना पड़ेगा। अब ये काउंट करो यहाँ पे आप कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ठीक है, ये 10 है, तो 10 लिख दो पहले यहाँ पे, कितना लिखोगे, वेरी गुड। अब इसमें ये देखो कि सेम साइज के कितने और कितने लग रहे हैं आपको, ये तो ये सही है, सही है, ये सही है, और ये सारे और है, हाँ तो लिखो फिर, तो कितना और कितने हैं इसमें, देखो पहले अपन क्या करेंगे, जैसे कि ये तो पूरे लड्डू है, हाँ। इनको पहले लिखेंगे ये कितना, लिख दिया हाँ, और फिर उसके बाद में देखेंगे इसमें और कितना है, और तो अब वो लिखो कितना है, इवन इवन इवन, ये नहीं सेम, अब ये बताओ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, पहले बताओ ऑड पूछा है इसने, पहले तो ऑड कितना आएगा यहाँ पे बताओ, ये ऑड है ना, तो बताओ पहले ऑड लिखना है कितने, और कितने इसमें? आएंगे इसमें 4 ऑड है ना, जैसे कि ये जो ये कितने इवन, और वो देखो लिखो, ये हो गया। आज अदिति आपको बुक पढ़ के दिखाएगी इंग्लिश की, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, तो देखते हैं इस पे इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स होती है वो पढ़ना आता है या नहीं आता है।
हाँ बेटा चुप हो जाओ नेक। तो देखते हैं पढ़ना आता है कि नहीं आता है, और काफी देर इसको स्कूल छोड़े हुए हो गए, तो इसका चेक करते हैं। आज इसकी क्लास लगेगी, आज इसकी पिटाई भी हो सकती है, ऑन कैमरा पिटाई होगी आज तेरी। बचना है तो सही सही पढ़ना, और पिटना है तो गलत पढ़ना। नानू हटो, गंदी बात, दीदी की बुक फट जाएगी, हट जाओ, पढ़ो, स्टार्ट करो यहाँ से। O-N-E-O-N-C-E Once there was a B-E-A-U-B-E क्या हुआ इसका पूरा मीन्स के मतलब क्या हुआ फिर? ब्यूटी ब्यूटीफुल हाँ एश एस एच आई एन वाई बताओ क्या हुआ? साइनी साइनी ए एन डी साइनी तो ज्यादा में नहीं होती साइनी की। चल बोला गया नेक्स्ट A N D and C O L O U R F U L color colorful butterfly S H E fly say W A S fly क्या होता है? C was C हाँ C was F L ये मिक्स कर रखा है इसलिए मेरे को पता नहीं चल रहा है। F L I डबल T I L तो ऐसे होता है ना? नहीं बड़ा वाला ऐसे इसमें ऐसे लिखते हैं ना? इसमें सब चीज बड़ी F A F L I डबल T I N G हाँ क्या हुआ? फ्लर्ट क्या हुआ? फ्लाई फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग Next. F-R-O-M from O-N-E-1 F-L-O-W-F flower T-O-2-A-N-O-T-H-E-R Another Another S-U-B-E-N-L-Y क्या बनता है? हाँ Suddenly S C C A S A W same A B B B E L elephant E double L A E double L A double L A Ela Ela C O M I N G coming D O W N down T H E D P O T H तो अदिति नोटबुक बोल मतलब पढ़ लेती है, कई बार अटक जाती है क्योंकि ये जो मीनिंग होती है ना बड़ी बड़ी वाली ये वाली इसके लिए न्यू है, तो किसी को तो कुछ कुछ तो याद है, इसको कुछ कुछ याद नहीं है, बट कोई बात नहीं, अभी ये फर्स्ट क्लास में ही है, तो फर्स्ट क्लास में ही है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ लेती है, काफी कोई दिक्कत। आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, शाम का हो चुका है 7:30 से ऊपर टाइम अभी, और हस्बैंड आने वाले हैं ऑफिस से। और किसको आप भी खरीदना जिससे आप भी सीखना सीखे। और आप जब खरीदना जब टीवी में चली जाए तो अभी ऊपर चल रहा है बहुत ज्यादा फैन, तो उससे सारे बाल बाल उड़े हुए हमारे, और नन्नू कुछ भी नहीं करने दे रही कुछ भी। ये क्या हो रहा है? ये क्या खेल के आ रहे हो आप? ये कौन सा और ये देखो इसने क्या कर रखा है, पूरी जो जितनी भी पिलोज थी वो सारी की सारी इसने नीचे फेंक दी पूरी की पूरी। ये बच्चे मेरी जान लेके रहेंगे किसी दिन, सच्ची बता रही हूँ, इतने बदमाश हो गए। तो ठीक है, आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ और अच्छी सी बातों के साथ। लबू का तो लबू बाय 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 ठीक है बाय बाय।